जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। जयनगर शहर के स्टेशन चौक पर जाप के समर्थकों ने सरकार के विरोध में की नारेबाजी, जलाया पुतला। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर पार्टी के जयनगर के जाप नेताओं ने आक्रोश व्यक्त कर विरोध जताया है। इस बीच आज बुधवार को स्टेशन चौक पर पुतला दहन भी किया गया। जन अधिकार पार्टी के छात्र परिषद जिला उपाध्यक्ष ने सोशल डिस्टेंसिंग को रखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की गिरफ्तारी के विरोध में बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन करने के बाद जन अधिकार पार्टी छात्र परिषद उपाध्यक्ष राहुल जायसवाल ने कहा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। गिरफ्तारी सांसद प्रताप रूडी की होनी चाहिए और यहाँ की अंधी भरी सरकार गरीबों का मसीहा अपनी जान की परवाह किए बगैर गरीबों और आम आवाम की मदद करने वाले पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया। इस डबल इंजन की सरकार ने 15 साल के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक नहीं किया। आज लोग दवा, ऑक्सीजन, एम्बुलेंस के लिए दर दर भटक रहे हैं, कोई सुध लेने वाला नहीं है। कहाँ है सरकार के स्वास्थ्य मंत्री अमंगल पांडे? कहाँ है सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी? 2 तारीख को आज पप्पू यादव के गिरफ्तारी में बेल नहीं होने के कारण हम पुतला दहन किए। निकम्मी सरकार, सुशासन की सरकार। जब पप्पू यादव गरीबों के मसीहा, जब पटना के अस्पतालों से लेके पटना के बाढ़ में कोरोना के टाइम में सभी जगह पप्पू यादव अपने हिसाब से काम करते हैं, जो नीतीश कुमार को रास नहीं आया। नीतीश कुमार से हम ये कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी, जब आप ये काम कर नहीं सकते, जनता का सेवा नहीं कर सकते हैं, तो आप कुर्सी छोड़ दें, अन्यथा हम लोग ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। आज हम सिर्फ पुतला दहन के माध्यम से ये बतलाना चाह रहे हैं कि छात्र परिषद पूरा बिहार में आंदोलन करेगा, पूरा बिहार में पुतला दहन करेंगे। और अगर 2-3 दिन के अंदर पप्पू यादव को बेल नहीं हुआ तो हम लोग अनुमंडल कार्यालय हो, जिला कार्यालय हो या मुख्यमंत्री आवास हो, हम लोग पटना के मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। नहीं तो अविलंब नीतीश कुमार जी पप्पू यादव को रिहा करें। और राजीव प्रताप रूडी, जो एम्बुलेंस चोर, बीजेपी के एम्बुलेंस चोर राजीव प्रताप रूडी को जल्द से जल्द अविलंब गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा बहुत बड़ा आंदोलन होगा। क्या नाम हो गया? राहुल कुमार चौधरी, जन अधिकार पार्टी, छात्र परिषद जिला अध्यक्ष, मधुबनी। नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। आज पूरे बिहार में आप देखिएगा कि घर घर दारू और शराब माफियाओं ने घर घर दारू पहुंचा रहा है, लेकिन सरकार हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं पहुंचा रहे थे, जिसके लिए पप्पू यादव जी हमारे नेता और सुप्रीमो, जाप सुप्रीमो ने हर हॉस्पिटल में दवा और ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कर रहे थे। उसी के खिलाफ नीतीश कुमार जी को ये सेवा और भाव रास नहीं आया और 32 साल पुराने एक केस में उनको किसी एन पैन प्रकार लगा करके भाजपा नीतीश कुमार की सरकार उन्हें गिरफ्तार करती है और बेवजह एक छोटी केस में, 32 साल पुराने केस में उन्हें रखा गया है। इसलिए छात्र परिषद आज जयनगर में नीतीश कुमार जी का पुतला दहन किया गया है। यदि बिना शर्त 5 दिन के अंदर हमारे नेता पप्पू यादव जी को रिहा नहीं करते हैं तो बिहार सरकार के खिलाफ ये आंदोलन अनवरत चलेगी। नीतीश कुमार, प्रदेश महासचिव, जन अधिकार, छात्र जिला। देखिए आज जयनगर प्रखंड में, मधुबनी जिला के जयनगर प्रखंड में आज पार्षद परिषद के माध्यम द्वारा आज बिहार के मुख्यमंत्री निकम्मी सरकार, जो नीतीश कुमार है, जो बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी के इशारा पर पप्पू यादव को गिरफ्तार करवाया। जब कल कल जब बहस था पप्पू यादव का, तो पप्पू यादव का पहले बेल दे दिया गया है। बेल देने के बाद बीजेपी के, भाजपा राजीव प्रताप रूडी और सीएम नीतीश कुमार के दबाव में आने के बाद 2 घंटा के बाद पप्पू यादव को बेल दिया हुआ, बेल को उसको खारिज कर दिया गया। बताइए, ये लोकतंत्र की हत्या है, यह लोकतंत्र की हत्या है। नीतीश कुमार जी, आपको सोच लगना चाहिए जो आप हम क्या कर रहे हैं। मैं बिहार सरकार से मांग करता हूँ कि पप्पू यादव को अविलंब रिहा करें, नहीं तो ईंट से ईंट बजा देंगे और सोए हुए निकम्मी सरकार को हम लोग जगाने का।